हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं गगनदीप, आपके गगन के गार्डन में स्वागत है। सो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो माय मिनी गार्डन का ओवरव्यू दिखाने के लिए है कि मेरा जो गार्डन है वो कैसा दिखाई देता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा गमला है, ये 12 इंच का गमला है, बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें मैंने एक तो ये गेंदा लगाया हुआ है और एक ये रोज़ प्लांट लगाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इस पर बर्ड्स भी आई हुई हैं, देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, बर्ड आई हुई है। और ये देखिए, ये फ्लावर कल खिला था, आज ऐसा हो गया। और इसमें मैंने एक ये मिट्टी का घोड़ा रखा हुआ है बनाकर, जो पानी लगने से इसकी जो टांगे हैं वो मिक्स होगी मिट्टी में। और एक ये मेरा है, शायद जिसको कहते हैं ट्रायंगल हार्ट कहते हैं, उसका प्लांट की कटिंग लगाई थी। ये देखिए, ये वहाँ से ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। और एक ये मेरी बेल है, इस ये देखिए लकड़ी पर चढ़ी हुई है, इसको कहते हैं मधुमाल, नहीं मधुमालती नहीं है दोस्तों, सॉरी, इसको कहते हैं ये मधुमालती, हाँ मधुमालती की है, मैं भी भूल गया, मधुमालती की। और ये एक प्लांट और लगा हुआ है इसमें, और ये मेरे कोलियस का प्लांट है, जो कोलियस होता है फ्लावर कोलियस, उसका प्लांट है। और ये हिबिस्कस का है प्लांट, बहुत बड़ा हो गया। और ये भी रोज़ का है, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, इसमें बर्ड्स आई हुई हैं, एक ये और एक ये और एक ये और एक ये और भी हैं, और एक ये, और यहाँ से भी बनेंगी दोस्तों। तो ये ऐसे ही, मतलब कि इसके जो प्लांट पर मैं कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालता हूँ, बाहर से खरीद कर खुद का ही फर्टिलाइज़र बना के उसी को ही डाल देता हूँ। और ये मेरा सदाबहार है विंका का, और ये मेरी गुड़हल की कटिंग्स लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, ये दरअसल मैंने इसी गुड़हल की काट कर यहाँ पे लगा दी थी, तो ये दोनों अच्छे से ग्रो हो गई। और ये जो विंका आपको दिख रहा है सूखा सूखा सा, इसको मैंने रिपोर्ट किया तो ये ऐसा हो गया, पता नहीं, अब वैसे ठीक हो जाएगा पर ये 5-6 दिन लेगा, 5-6 दिन बाद ही ये ठीक हो सकता है। और ये मेरे स्नेक प्लांट, और वहाँ पे वो है, क्या नाम है, एलोवेरा, और वहाँ पे भी एक प्लांट है। और ये मेरे संतरों का प्लांट है, देख सकते हैं आप, संतरे लगे हुए हैं, और वहाँ पे सीडलिंग्स हैं और कटिंग्स हैं लगी हुई। और आपको दिखाते हैं, और मेरे इस पॉट में मनी प्लांट लगी हुई है, देख सकते हैं आप। और ये मेरी मनी प्लांट आउटडोर लगी हुई है, अभी स्टिक लाऊंगा नर्सरी से, फिर यहाँ से ऐसे लगा दूंगा। और ये अदरक का प्लांट है, और ये देखिए मनी प्लांट की कटिंग है, ये भी ग्रो हो जाएगी, बस 2-3 दिन लेगी। और ये जो है, ये भी मधुमालती की है, कटिंग मैंने लगाई थी, हो गई। और ये मिनी रोज प्लांट है, ये देखिए। और ये मेरा फाउंटेन है, वाटर फाउंटेन है, आप देख सकते हैं, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं और इसको देख सकते हैं। तो और ये घोड़ा मैंने मिट्टी का बनाया था, और ये घोड़ा मैंने मिट्टी का बनाया था, और बहुत अच्छा हो गया। और ये देखिए, उसका प्लांट है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था उसका नाम, मैं भूल गया दरअसल दोस्तों, बहुत सारे प्लांट हैं इसीलिए मैं भूल गया। और वहाँ पे मेरा नींबू का लगा हुआ है प्लांट, और ये भी कोलियस का है। और ये मैंने चिड़िया बना के टांग दी थी, जो बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये मेरे स्नेक प्लांट्स हैं, और मेरा ये ब्लू हार्ट, पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट है। और ये सदाबहार देखिए कितना बड़ा दिखाई दे रहा है,
और ये भी एक प्लांट है, इसका भी मैं नाम भूल गया, पता नहीं क्या है। और ये देखिए, ये मैंने पॉट बनाया हुआ है, एक बोतल को काट कर इसमें मैंने पर्पल हार लगाया हुआ है, और ये मनी प्लांट जो यहाँ से निकाल दी है मैंने, और ये मेरे मिनी रोज़ हैं, देख सकते हैं आप, सफ़ेद कलर के, वहाँ पे पीले कलर के थे। और ये प्लांट है एक मेरा, इसको क्या कहते हैं, इसका भी नाम मैं भूल गया दोस्तों। और ये मेरी कटिंग्स लगाई हुई है, मैंने कटिंग लगाई हुई है, इसको ट्रायंगल हेड कहते हैं। और ये भी मेरे सेम प्लांट हैं, इसी की कटिंग काट कर मैंने यहाँ पे लगाई थी और वो सारी ग्रो हो गई है। और ये मेरा मिस्टर बीन है, आप देख सकते हैं मेरा मिस्टर बीन, ये मैंने पाइप से बनाया हुआ है, पाइप जो होती हैं सीमेंट की, उसको काट कर और इसकी आंखें वगैरह बना दी, और बीच में स्नेक प्लांट लगा दे जो बहुत ही अच्छा लुक सा दे रहा है इसको, और ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये मेरा मैंगो का प्लांट है, और ये स्नेक प्लांट, और वहाँ पे क्या है मेरा कोलियस, और ये मेरा हिबिस्कस है जिसकी मैंने कटिंग लगाई है, ये मेरे येलो कलर के हिबिस्कस हैं। और मेरे ये चीकू का प्लांट है जिसमें ये देखिए फ्लावर आए हुए हैं, अब चीकू लगेंगे इसमें। तो ये दोस्तों मेरे गार्डन का जो वो था, क्या ओवरव्यू था, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं आज। और ये देखिए पर्पल हार्ट की कटिंग, और एक ये कटिंग लगा रखी है मैंने, इसमें मैंने घोड़ा रखा हुआ है, घोड़ा रखा हुआ है, और ये एक कटोरी सी है वैसे मैंने रख दी, तो ये बहुत अच्छा सा लग रहा है। और ये देखिए मेरा गेंदा, ये देखिए दोस्तों मैं कहीं पे बीज गिर गया होगा गेंदे का, और ये एक प्लांट निकल आया वहाँ से, ईंटों में से निकल आया। और यहाँ पे देखो तीन घोड़े रखे थे, और सारे बारिश के पानी से ऐसे जो मिट्टी थी इनकी सारी उतर गई मिट्टी, सारे घोड़े नष्ट हो गए। और तो दोस्तों ये था मेरा गार्डन ओवरव्यू, तो होप है आपको पसंद आया होगा। और वहाँ पे देखो दोस्तों मैंने दो हैंग की हुई हैं, एक बोतल की हुई है और एक बास्केट हैंग की हुई है, आप देख सकते हैं, ये देखिए एक बोतल है और एक बास्केट है, और भी हैं आपको दिखाते हैं अभी, अभी दिखाते हैं दोस्तों। आप बने रहिए माय चैनल पर। और ये देखिए दोस्तों, ये भी एक बास्केट है, इसको मैं टांगूंगा, इसमें मिनी रोज लगे हुए हैं, प्लांट जो मिनी रोज के होते हैं, इसमें भी लगे हुए हैं बास्केट में जो मिनी रोज के प्लांट होते हैं। और एक ये बास्केट है, इसमें मैंने मनी प्लांट लगाई हुई है, और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई, मैंने कटिंग लगाई थी, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और एक प्लांट और है मेरा, अभी दिखाते हैं आपको, अभी दिखाते हैं दोस्तों आपको, और इसमें देखिए दोस्तों कीड़े नहीं लगते, तो सॉरी दोस्तों मैं चला गया था घर से लिए प्लांट लेने। तो दोस्तों ये मैंने आपको बनाना सिखाया था, तो ये मैंने बोतल काट कर उस पर कलर कर दिया, तो ये एक कैट सी लग रही है। और ये इसमें प्लांट लगाया हुआ है मैंने, ये भी कटिंग लगाई थी, तो कितना अच्छे से ग्रो कर गई, देख सकते हैं आप, ये वाली कटिंग जो है ये लगाई थी, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे निकल गया, और इसको सिर्फ 15 ही दिन हुए हैं इस प्लांट को लगाए हुए, तो ये देखिए कितना अच्छा हो गया, कितना बुशी बन गया ये, बहुत अच्छा। और ये मैंने एक मशरूम बनाया था, ये भी इसकी वीडियो मैंने शेयर की हुई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, तो आप देख सकते हैं कैसे बनता है। और ये मैंने मिट्टी का बनाया हुआ है, उसमें मैंने कलर नहीं करके बताया था,
क्योंकि मेरा सूखा नहीं था इसलिए, और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था। फिर मैंने बाद में 5-6 दिन बाद कलर किया, फिर मैंने उसकी वीडियो शेयर नहीं की। मैंने क्या कलर करूँ, अब क्या करूँ। तो आप कर ही लोगे कलर, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कलर। देखिए यहाँ पे मैंने ब्लू किया हुआ है 3 जगहों पे, और रेड करके और डॉट डॉट बनाए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा गार्डन डेकोरेट है, आइटम है, बहुत अच्छे से ये देख सकते हैं। और एक वहाँ पर है, तो इनको भी मैं वहाँ पर ही रखूँगा, उससे अच्छा लगेगा। और मेरा टेरेस गार्डन तो मैंने अभी दिखाया नहीं, तो वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।